वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। देख लो, नोटिफिकेशन जारी हुआ, जबरदस्त चार लिस्ट जारी कर दी गई हैं आप सबके लिए। देख लो, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जॉब आउट करके आपको दिखा दे रहे हैं। लिस्ट नंबर 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, चार लिस्ट जारी की गई है बैक टू बैक। यहाँ पे देखिए, आपको तारीख दिख रही है 22/3/2021 को डेल वाटर फायरमैन के लिए चार लिस्ट जारी की गई हैं। और बहुत से बच्चों के सेंटर चेंज हो गए, तो प्लीज़ सेंटर को जल्दी देख लीजिएगा। और जिस बच्चे के एडमिट कार्ड में फोटो नहीं शो कर रहा था, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखो एक लिंक दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, आपकी फोटो आएगी, फोटो सहित वही आपको ले जाना है जो फोटो लगी होगी। बहुत से बच्चों का सेंटर चेंज हो चुका है, तो प्लीज़ जल्दी से जाओ, तुरंत डाउनलोड करो। यहाँ पे देखो, प्रवेश डाउनलोड करने हैं तो लिंक प्रवेश पत्र, इसको डाउनलोड कीजिए। और जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे, वहाँ भर्ती बोर्ड की तरफ से जो फोटो आप लोग की शो नहीं कर रही थी, अब अपडेट करती हैं, शो करने लगेगी। तो प्लीज़ जाओ, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, लिस्ट जारी हुई बैक टू बैक। लिस्ट नंबर 1, 9298 कैंडिडेट हैं सूची प्रथम में। और वहीं पर दूसरे सूची में देख, सूची में 4598, और तीसरे सूची में देख लेना, तीसरे सूची में जाएंगे 336, चौथे सूची में जाएंगे 187 कैंडिडेट। कहने का मतलब, टोटल ओवरऑल DBPST में पास हुए बच्चे, DBPST में पास हुए टोटल बच्चे 14,449 बच्चे DBPST में पास हैं। बाकी फेल हो गए हैं 3,159 बच्चे जो हैं DBPST में फेल हो चुके हैं। यही बच्चे रनिंग करने वाले हैं, उसके बाद पूरा डाटा हम आपको दिखाएंगे, पूरा लिख चुके हैं कितने बच्चों की रनिंग हुई, कितने बच्चे आज टोटल फेल हुए हैं, सब कुछ इसके बाद लिस्ट देने वाले हैं। जल्दी से प्लीज़ जाओ, जल्दी से उसको डाउनलोड करो लिस्ट, और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो अपना। बहुत से बच्चों का सेंटर चेंज हो चुका है, यहाँ पर लिस्ट जरूर डाउनलोड करना, उसके बाद अपना देख लेना, ठीक है ना। मिलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।